डालें की नजर अगली खबर की ओर। खबर आ रही है सीकर से, जहां सीकर सांसद सुमेधानंद सरस्वती से हमारे संवाददाता ने की खास बातचीत। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज 24 और मैं रिपोर्टर पवन सोनी सीकर, राजस्थान में सबसे तेज बढ़ता हुआ नेटवर्क आवाज न्यूज 24। और हमारे सांसद का ये दूसरा कार्यकाल है और इनके आने के बाद में काफ़ी समय से रेलवे सीकर से जो भी रेल सेवा थी वो काफ़ी वर्षों से बंद पड़ी थी, वो बड़ी लाइन बनने के चक्कर में। तो आज इनसे अपन चर्चा करते हैं कि आपने अपने दूसरे कार पहले कार्यकाल में इन्होंने खूब काम कराए थे और सेकंड कार्यकाल में इनका क्या प्रयास रहा, क्या ये मतलब आगे सीकर शहर में जनता को क्या रेल की सुविधा मिलने वाली है। आवाज़ न्यूज़ 24 चैनल के माध्यम से मैं सभी क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। मेरे सांसद बनने के पश्चात विशेष तौर से रेलवे के क्षेत्र में जो काम हमने किए मैं उसके बारे में थोड़ा सा निवेदन लोगों से करना चाहूँगा। जब मैं सांसद बना, सांसद की शपथ ली, उसमें मैंने देखा कि मेरे क्षेत्र में मीटर गेज की जो पटरियां थी वो उखाड़ दी गई थी और ब्रॉड गेज का काम प्रारंभ नहीं हो पाया था। परिणाम ये हुआ कि लगातार 6 साल तक क्षेत्र के लोग जो थे वो बहुत परेशान रहे। माने प्रधानमंत्री जी के सानिध्य में जो काम प्रारंभ हुए और तत्कालीन रेल मंत्री जी से मैंने जब निवेदन किया तो बहुत काम प्रारंभ हुए और उसका परिणाम ये निकला कि आज मेरे पूरे लोकसभा क्षेत्र के अंदर ब्रॉड गेज कंप्लीट तैयार है, अनेक स्टेशन बन चुके हैं, 3 रेलवे स्टेशन जिनको फर्स्ट ग्रेड का दर्जा दिया गया, हमारा सीकर, रिंगस और नीमका थाना, ये 1 ग्रेड के रेलवे स्टेशन हैं। और इसके साथ साथ में बहुत सारी लंबी दूरी की ट्रेनें हमें मिली हैं। आज हमारे यहाँ हिसार से कोटा की ट्रेन उपलब्ध है, इंदौर की ट्रेन उपलब्ध है, बॉम्बे की ट्रेन उपलब्ध है और अभी अभी एक नई ट्रेन हमारी चलने वाली है, वो ट्रेन होगी उदयपुर से और जम्मू तवी वाया रिंगस नीमका थाना होकर के ट्रेन जाएगी। इस ट्रेन से वैष्णो देवी जाने वाले लोग और इसके साथ साथ में हमारे जो सैनिक भाई हैं जो पंजाब, पठानकोट, जम्मू कश्मीर और उस पूरे एरिए से लद्दाख के एरिए में जो सेवाएं देते हैं उनको बड़ी सुविधा रहेगी। तो मैं समझता हूं कि मेरा ये प्रयास रहेगा कि मैं और बहुत सारी ट्रेनें दूं। हमारी शीघ्र ही जो सैनिक एक्सप्रेस है भी दैनिक होने की पूरी संभावनाएं बन चुकी हैं अधिकारियों ने और माननीय रेल मंत्री जी ने हमें समय दे दिया है, हमें कह दिया है कि ये रेल हम जल्दी शुरू करेंगे। साथ साथ में सीकर से जयपुर के बीच भी दैनिक ट्रेनें प्रारंभ हो जाएंगी। तो इस प्रकार से ये लोगों को सुविधा मिलने का प्रयास हम करवा रहा हूँ। मैं सभी क्षेत्रवासियों को फिर बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आशा करूँगा कि आपका प्रेम, आपका स्नेह इसी प्रकार से मिलता रहेगा ताकि मैं आपकी सेवा करता रहूँ। धन्यवाद।